इस वीडियो का कंटेंट है बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ट्रिग्नोमेट्री 11th स्टैंडर्ड से। तो भाई लगभग 80 क्वेश्चन है ये, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट से, ठीक है ना। और ऑप्शन मैंने इनके लिखे नहीं बेटा, डायरेक्ट आंसर ही निकाल देते हैं, सभी के फोर फोर ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट है द क्वाड्रेंट इन विच थीटा इक्वल टू -19 30 डिग्री लाइन, यानी कि -19 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है ये फाइंड आउट करना आपने। तो देखो सबसे पहले क्या है, 1930 को आपने 360 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है ना। ये जाएगा 3 पर, 4 पर, 5 पर, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 5 पर जाएगा बच्चों 50, 5 6 जा 30, 3 और 5 3 जा 15 प्लस 3 18, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 5 × 360 और +130, तो माइनस का साइन है भाई बच्चों यहाँ पर देखो, यानी कि 5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में ऐसे 5 रिवॉल्यूशन, 1 2 3 4 5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके -130 का एंगल बनेगा, यहाँ पर बनता है 0 से -90, यहाँ पर -90 से -180, यानी कि -130 का एंगल बनेगा यहाँ पर। और ये क्वाड्रेंट कहलाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि फर्स्ट का आंसर आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा आपका एंगल, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड, डिग्री मेजर्स ऑफ 7π/12, 7π/12 को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया था आपको 180π से मल्टीप्लाई करना है डिग्री में चेंज करते समय, ठीक है ना। ये इसे कैंसिल हो जाएगा और ये जाएगा 12 × 1 = 12, 12 × 5 = 60 और 15 × 7 = 105, यानी कि 105 डिग्री, ठीक है ना। 105 डिग्री आ जाएगा इसका डिग्री मेजरमेंट। थर्ड क्वेश्चन है, थीटा दे रखा है, किसी सर्कल का सेंट्रल एंगल दे रखा है 45 डिग्री, उसकी रेडियस दे रखी 10 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है जो कि एल होती है, और एल का फार्मूला होता है बच्चों आर थीटा, आर है यहाँ पर 10 और थीटा जो 45 डिग्री है उसको आपने रेडियन में चेंज करके लिखना पड़ेगा। ये कैंसिल हो गया और भाई ये 9 पर गया, 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 45, यानी कि 5/2 पाई रेडियन, पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी थी बेटा 22/7, ये कैंसिल हो गया इससे, यानी कि 55/7। ये अब आपने देखने यूनिट है रेडियस की सेंटीमीटर, तो ये बीके आ जाएगा सेंटीमीटर में, डेसिमल में आंसर निकाल सकते हो 7 से डिवाइड करके। एल का फार्मूला होता है आर थीटा, थीटा रख देना यहाँ पर रेडियन में चेंज करके और आर एज इट इज। नेक्स्ट है रेंज ऑफ साइन एंड कोस, तो आप जानते हो जैसा कि साइन और कोस दोनों की रेंज क्या होती है, -1 से +1 इंक्लूडिंग -1 एंड +1। नेक्स्ट है कोस एक्स इज इंक्रीजिंग इन द, कोस एक्स किस क्वाड्रेंट में इंक्रीज है बेटा। देखो यहाँ पर तो जीरो होता है कोस, यहाँ पर -1 होता है तो ये तो डिक्रीज हो गया, यहाँ पर तो यहाँ पर 1 होता है तो यहाँ पर तो इस क्वाड्रेंट में पहले दूसरे में तो क्या हो गया डिक्रीज, यहाँ पर क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, बढ़ता बढ़ता और यहाँ पर फिर 1 आ जाएगा। तो यानी कि इस क्वाड्रेंट में किस में थर्ड और फोर्थ में क्या होता है ये इंक्रीज, ठीक है ना। ये कोस एक्स जो है वो इंक्रीज होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसके मैंने ऑप्शन भी लिख दिए हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा ठीक। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, साइन एक्स की वैल्यू -1/2 है। देखो बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन में करवाने लग रहा हूँ आपको, साइन एक्स की वैल्यू -1/2 है, तो आपने 1/2 को चेक नहीं करना, आपने केवल माइनस का साइन देखना है, नेगेटिव होता है किस में थर्ड में और फोर्थ में। तो यहाँ से जो आंसर बना है वो बना है थर्ड एंड फोर्थ, साइन एक्स नेगेटिव होता है थर्ड फोर्थ में। कोस एक्स जो है वो √3/2, यानी कि कोस एक्स की वैल्यू जो है वो √3/2 है, वो कोस एक्स किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में, ठीक है ना। तो भाई दोनों का अगर कॉमन देखा जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया आंसर, ठीक है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों कोसिकेंट इंटू कोस है -1 देन एक्स लाइज इन, कोसिकेंट यहीं से देख सकते हो आप स्टेटमेंट, कोसिकेंट को लिख दिया मैंने 1/sin और कोस एक्स ऑलरेडी है यहाँ पर और राइट में क्या -1, तो कोट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर -1, तो
तो यानी कि कोट एक्स की वैल्यू नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होती है आप जानते हो, सेकंड में और फोर्थ में, तो आंसर आ जाएगा सेकंड और फोर्थ, ठीक है ना। सेवंथ क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट बच्चों एट्थ क्वेश्चन, एक्स लाई करता है पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू यानी कि सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपने वन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन एक्स। तो वेरिएशनलाइज करेंगे इसको, वन माइनस साइन एक्स और वन माइनस साइन एक्स अंडर द स्क्वायर रूट है ही, तो अपर पार्ट में तो क्या आ जाएगा वन माइनस साइन का स्क्वायर आ जाएगा और लोअर पार्ट में आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर जो कि क्या होता है कोस स्क्वायर, तो इसको आप कोस स्क्वायर लिख सकते हैं देखो। और कंप्लीट के ऊपर रूट लगे हो बच्चों तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, वन माइनस साइन बाई कोस है ये, तो कोस को अलग अलग के नीचे रखेंगे, यहाँ पर अलग यहाँ पर अलग, तो ये आ जाएगा सिकेंट, ये आ जाएगा टेन, यानी कि आंसर आ जाएगा सिकेंट माइनस टेन, ठीक है ना। नेक्स्ट है टेंथ क्वेश्चन, साइन माइनस थ्री थर्टी की वैल्यू निकालनी है आपने, तो सबसे पहले इसका माइनस बार आ जाएगा माइनस साइन थ्री थर्टी। अब 330 को आपने ब्रेक करना है 360 माइनस 30 के अंदर, ठीक है ना। 270 प्लस 60 में ब्रेक कर सकते हो आप, साइन 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और माइनस अटैच है भाई तो प्लस हो जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों इलेवेंथ क्वेश्चन, एक्स साइन 45 कोस स्क्वायर 60 इक्वल टू समथिंग देन एक्स इज, तो भाई साइन 45 की दिखाई दे रहा है आपको ये, देखो साइन 45 की वैल्यू मैं यहीं से लिख रहा हूँ 1/√2, कोस 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, तो स्क्वायर होकर के आ जाएगी 1/4, ठीक है ना। राइट में टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3, तो स्क्वायर की आ जाएगी 3, कोसिकेंट 30 की वैल्यू होती है बच्चों 2, और भाई सिकेंट 45 की वैल्यू होती है √2, और कोट स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 3, कोट 30 की वैल्यू होती है √3, तो स्क्वायर होकर के आ जाएगा 3। ये इसे कैंसिल हो गया और ये इसे कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 8, ठीक है ना, आया समझ। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, कोस एक्स की वैल्यू माइनस 1/2 अगर दे रखी है आपको, कोस एक्स की वैल्यू दे रखी है माइनस 1/2, एक्स लाई करता है 0 से 2π द वैल्यू ऑफ एक्स आर, एक्स की वैल्यू निकालनी बच्चों 0 से 2π यानी कि सभी वैल्यू निकाल देनी है आपने, तो सबसे पहले फंडामेंटल एंगल रखता हूँ मैं यहाँ पर कोस 60 डिग्री। अब इसको ऐसे क्वाड्रेंट में ले जाते हैं जहाँ पर ये नेगेटिव होता है सेकंड में और थर्ड में, सेकंड में जाने का रास्ता 180 में से माइनस कर दीजिए इसको 120, और थर्ड में जाने का रास्ता 180 में इसको ऐड कर दीजिए यानी कि 240, तो आंसर आ जाएगा 120 एंड 240 डिग्री। नेक्स्ट है बच्चों द वैल्यू ऑफ कोस 75 डिग्री, कोस 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपने, तो कोस 75 डिग्री की वैल्यू आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो वरना आप इसको ब्रेक कर सकते हो 45 प्लस 30 में, ठीक है ना, और कोस ए प्लस बी लग जाएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 45 की 1/√2, साइन 30 की 1/2, तो आंसर आ जाएगा आपका √3 - 1/√2, ठीक है ना, आया समझ। जो साइन 15 की वैल्यू होती है बच्चों वही कोस 75 डिग्री की वैल्यू होती है, और साइन 15 की वैल्यू याद रख सकते हो आप √3 - 1/√2। नेक्स्ट है भाई बच्चों, नेक्स्ट आ गया 14a + b + c पाई दे रखा है, देन 10a + 10b + 10c डिवाइडेड बाई समथिंग समथिंग, तो भाई बच्चों a + b + c अगर पाई है और टेंजेंट पाई आप जानते हो क्या होता है, देखो टेंजेंट पाई होता है 0, तो इसमें क्या है दोनों तरफ टेंजेंट ले लेते हैं हम, टेंजेंट a + b + c ये आ जाएगा टेंजेंट पाई यानी कि 0, टेंजेंट a + b + c यूज करेंगे तो ये आ जाएगा टेंजेंट a + टेंजेंट b + टेंजेंट c
माइनस टेंजेंट ए, टेंजेंट बी, टेंजेंट सी, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, माइनस टेंजेंट बी टेंजेंट सी, माइनस टेंजेंट सी टेंजेंट ए, और राइट में क्या है, जीरो। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसके हम, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो यहां पर बच जाएगा टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट सी माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी टेंजेंट सी, और राइट में क्या आ जाएगा, जीरो। अब क्या करेंगे, देखो अब इस टर्म को राइट में ले जाते हैं, देखो राइट में ले गए, प्लस की हो गई, और अब बी सी से डिवाइड कर देते हैं। तो टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट सी डिवाइडेड बाई टेंजेंट ए टेंजेंट बी टेंजेंट सी, ठीक है ना, और ये आ जाएगा 1 के इक्वल। आया समझ में? नेक्स्ट बच्चों, कोसिकेंट माइनस कोट एक्स दे रखे 1/2, तो कोस एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने, तो इसको ट्रिक से करवाता हूं बेटा। देखो कोसिकेंट माइनस कोट एक्स जो है वो है 1/2, तो भाई कोसिकेंट प्लस कोट की वैल्यू आ जाएगी इसकी रेसिप्रोकल, ठीक है ना, यानी कि 2। ठीक ऐसा ही सिकेंट प्लस टेन में होता है, सिकेंट माइनस टेन की वैल्यू कुछ भी है तो सिकेंट प्लस टेन की उसकी रेसिप्रोकल आ जाएगी। कभी ऐसा होता है कि कोसिकेंट प्लस कोट की वैल्यू दे देता है आपको, आपको लिखनी पड़ती है कोसिकेंट माइनस कोट की। ठीक ऐसा ही सिकेंट टेन में है, और ये क्यों है बेटा, रीजन ये है इसका, क्योंकि कोसिकेंट स्क्वेयर माइनस कोट स्क्वेयर होता है 1। कोसिकेंट स्क्वेयर माइनस कोट स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा कोसिकेंट प्लस कोट, और कोसिकेंट माइनस कोट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो कोसिकेंट माइनस कोट लोअर पार्ट में चला जाएगा, या फिर आप कोसिकेंट प्लस कोट को ले जा सकते हो लोअर पार्ट में, 1/कोसिकेंट माइनस कोट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो कोसिकेंट प्लस कोट की वैल्यू 1/कोसिकेंट माइनस कोट होती है, या फिर कोसिकेंट माइनस कोट की वैल्यू 1/कोसिकेंट प्लस कोट होती है। तो बच्चों अब इनको ऐड कर देते हैं, देखो वैल्यू निकालनी है हमने कोस एक्स की, तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होगा इससे, और 2 कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी 5/2 ऐड करके, और कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी 5/4, ठीक है ना। ऐसे ही फिर कोट की वैल्यू निकालेंगे इनको सबट्रैक्ट करके, ये माइनस और ये माइनस, तो ये अब की बार ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कोट की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 2 यानी कि -3/2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। अब निकालना क्या आपने, कोस, कोस आप जानते हो क्या होता है, कोट बाई कोसिकेंट, कोट एक्स बाई कोसिकेंट होता है कोस। तो कोट एक्स क्या है बच्चों, 3/4, और कोसिकेंट क्या है, 5/4, तो 4 से 4 कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 3/5, ठीक है ना। क्वाड्रेंट देख लेते हैं, क्वाड्रेंट है फर्स्ट, तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी आपने, एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से π/2 के बीच में लाई करती है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट बच्चों, टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा दे रखे हैं, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है बच्चों यहाँ पर। तो भाई टेंजेंट अल्फा देख लीजिए और टेंजेंट बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा देंगे हम। देखो हो जाएगा क्या, ये टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देते हैं बेटा। टेंजेंट अल्फा है m/m+1, और ये है 1/2m+1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस m/m+1 और 1/2m+1। यहाँ पर है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, तो ये पूरी तरह सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, ये आ जाएगा 1, आप कर सकते हो इजीली इसको, 1 आ जाएगा यहाँ पर, ये सारा एलसीएम वगैरह लेकर कैंसिल हो जाएगा, और 1 की जगह लिख सकते हो आप टेंजेंट π/4 या टेंजेंट 45 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी π/4 रेडियन, ठीक है ना।
नेक्स्ट है 1075 माइनस कोट 75। अभी मैंने आपको बताया था कि साइन 15 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 माइनस 1/2 √2, और कोस 15 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 प्लस 1/2 √2। देखो वैल्यू याद रखना बहुत अच्छा है बेटा, कंपटीशन में काम आएगा आपको, आपका टाइम बचाएगा एग्जाम के अंदर। तो बच्चों ऐसा है 1075 की वैल्यू रख सकते हो आप, 1075 उतना ही होता है जितना कि अब 1070 यहाँ से मैं 1015 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखो 1015 की वैल्यू हो जाएगी √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, और कोट 15 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से कोस बाई साइन होता है ना √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब देखो टेंजेंट 75 कितना होता है कोट 15 के इक्वल, तो जो टेंजेंट 75 था उसकी जगह मैंने लिख दिया कोट 15, रीजन 90 माइनस 15 करके इसको लिख दिया मैंने 90 माइनस 15 जो कि क्या हो गया कोट 15। जो कोट 75 था उसको लिख दिया मैंने टेंजेंट 15। अब कोट 15 की वैल्यू क्या आपके पास √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, और टेंजेंट 15 की वैल्यू आपके पास √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। एलसीएम वगैरह लेंगे ये आ जाएगा बेटा √3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में √3 माइनस 1 का स्क्वायर, और लोअर पार्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1 आ जाएगा। ए प्लस बी का स्क्वायर ये ए माइनस बी का स्क्वायर ये सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4ab यानी कि √3 इंटू 1, और लोअर पार्ट में क्या 2a इसे कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा आपका 2√3। एक मेथड ये है, सेकंड ये है कि आप इसको चेंज करो 45 प्लस 30 में और टेंजेंट ए प्लस बी लगाओ, ठीक ऐसे इसको चेंज करो 45 प्लस 30 में और कोट ए प्लस बी लगाओ, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों 18 क्वेश्चन साइन पाई बाय 12 जो कि साइन 15 होता है आप जानते हैं साइन 15, और कोस 5 पाई बाय 12, पाई बाय 12 ये है और 5 पाई बाय 12 ये है यानी कि 75, यानी कि कुल मिलाकर ये है साइन 15 और ये है कोस 75। तो भाई साइन 15 ये है, इसको भी आप साइन 15 लिख सकते हो, रीजन इसको आपने लिखना है 90 माइनस 15 में ब्रेक कर देना है और क्या हो जाएगा ये साइन 15, ठीक है ना। तो साइन 15 की वैल्यू जानते हो बेटा आप √3 माइनस 1/2 √2, तो साइन 15 का स्क्वायर हो गया, तो इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 8, यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाई 8, 2 से कैंसिल कर देंगे इसको और ये आ जाएगा 2 माइनस √3 बाई 4। एक मेथड ये है निकालने का, सेकंड ये है कि यहाँ पर आप 2 साइन ए कोस बी यूज कर सकते हो, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया 2 साइन ए कोस बी यूज कर लेंगे, 2 साइन ए कोस बी होता है साइन ए प्लस बी, ठीक है ना, और प्लस साइन ए माइनस बी यानी कि पाई बाई 12 और माइनस 5 पाई बाई 12, ये हमने यूज कर लिया 2 साइन ए कोस बी। अब ये हो गया बच्चों 6 पाई बाई 12 यानी कि 6 पाई बाई 12, और आप जानते हो क्या हो गया पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, ठीक है ना, प्लस इसमें से क्या है ये आ गया माइनस 4 पाई बाई 12, और 4 से कैंसिल कर दिया माइनस पाई बाई 3, और माइनस का साइन बाहर आ जाएगा और साइन पाई बाई 3 यानी कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री आप जानते हो ये क्या होगा साइन 60 डिग्री होगा बेटा √3 बाई 2, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4, सेम 2 से आंसर आ जाएगा पहले वाला। नेक्स्ट है भाई बच्चों नेक्स्ट आ गया 19 क्वेश्चन, देख सकते हो आप 19 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 और plus cos 3 pi by 13 और plus cos 5 pi by 13,
तो भाई बच्चों यहाँ पर सीधा सीधा दिखने लग रहा है, टू कोस ए कोस बी अप्लाई कर देते हैं, कोस ए प्लस बी यानी कि 9 + 1 10π/13 प्लस कोस ए माइनस बी यानी कि दिस माइनस दिस करे या दिस माइनस दिस, ए की बात है, कोस का एंगल है नेगेटिव, को आप पॉजिटिव में चेंज करके लिख सकते हो। तो 9 - 8 9 - 1 8π/13 लिख देता हूँ मैं, और ये सब कुछ है इट इज कोस 3π/13 और कोस 5π/13। अगर आप ट्रिक से करना चाहते हैं तो मैं बताऊं आपको, कोस की टर्म अगर प्लस में हो यानी कि एडिशन में हो और किन्हीं दो एंगल का सम अगर पाई हो तो कैंसिल हो जाती है आपस में। देखो इन दोनों का सम क्या हो गया, पाई हो गया ना एंगल का सम 13π/13 यानी कि पाई हो गया, तो ये जीरो हो जाएगा और ठीक ऐसे ये जीरो हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा जीरो। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है बेटा वो मैं दे देता हूँ। देखो इसको आपने ब्रेक कर देना पाई में, पाई माइनस पाई बाई थर्टीन कर देना, 3π/13 ये हो जाएगा, 13 - 3 10 ही आ जाएगा। ऐसे इसको भी आपने ब्रेक कर देना है पाई माइनस 5π/13 में। आप चाहे ब्रेक इन दोनों को कर सकते हो या पहले दोनों को, मर्जी आपकी। सभी को ब्रेक करेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी, दोबारा से कैंसिल नहीं होंगे। तो इन दोनों को एज इज रख लेना आपने 5π/13। तो कोस 180 माइनस सीटा क्या आ जाएगा, माइनस कोस सीटा, यह आ जाएगा कोस 5π/13 प्लस कोस 3π/13 और प्लस कोस 5π/13, ये कैंसिल हो गए सारे के सारे, क्या आ जाएगा आंसर जैसा मैंने कहा आपको, जीरो। ठीक है ना, नेक्स्ट करते हैं बच्चों। अब ट्वेंटीएथ क्वेश्चन करते हैं बेटा, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 1 टेंजेंट 2 टेंजेंट 89, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 1। ठीक है ना, टेंजेंट की टर्म प्रोडक्ट में और किन्हीं दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो डेफिनेटली क्या आएगा आंसर 1। देखो ऐसा क्यों है, टेंजेंट 1 और टेंजेंट 89 का प्रोडक्ट हो जाएगा 1। रीजन क्या है इसके पीछे, 89 को आप ब्रेक करेंगे 90 - 1 में, ठीक है ना, और टेंजेंट 90 - थीटा क्या होता है, कोट थीटा, और कोट क्या होता है 1/10, तो इसको 1/10 करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आया समझ। ठीक, ऐसे सभी पेयर बन जाएंगे, बीच में एक बचेगा टेंजेंट 45, वो वैसे 1 होता है, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, और 1 1 1 1 1 क्या हो जाएगा आंसर 1। ये बच्चों देखो कोस 40 प्लस कोस, ये क्वेश्चन है 21st, कोस 40 प्लस कोस 80 और प्लस कोस 160 प्लस कोस 240। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, इनका भी आंसर क्या आएगा बच्चों, जीरो। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि भाई कोस की टर्म अगर एडिशन में हो कि नहीं, दो एंगल का सम अगर 180 हो और डिफरेंस भी 180 हो बेटा, तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा, जीरो। तो इन दोनों से जीरो बन जाएगा और इन दोनों से जीरो बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों का भी डिफरेंस, इनका डिफरेंस तो हो गया भाई 200, ठीक है ना, और इनका डिफरेंस हो गया बेटा 80। तो करते हैं इसको चेक, देखो इसको मैं लिख देता हूँ कोस 180 - 20, ठीक है ना, और उसको लिख देता हूँ मैं कोस 180 - 180 + 60, ठीक है ना, कोस 40 ये है ही और यहाँ पर है कोस 80 डिग्री और कोस 180 माइनस सीटा हो जाएगा माइनस कोस 20 और ये हो जाएगा माइनस कोस 60, ठीक है ना। कोस 60 की वैल्यू आप जानते हो, तो डिफरेंस और सम नहीं हुआ बेटा 180, तो जीरो आंसर नहीं आएगा। तो अब क्या करते हैं, देखो कोस 60 के तो वैल्यू रख देंगे और शायद आंसर यही बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कोस सी प्लस कोस डी अप्लाई करते हैं इसमें, 2 cos c + d/2 यानी कि 120/2 यानी कि 60, कोस 60 इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू यानी कि 80 - 40 40/2 यानी कि 20। कोस सी प्लस कोस डी जानते हैं बेटा आप अच्छे से, 2 cos c + d/2 दोनों एंगल को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड किया, -20 आएगा, +20 लिख सकते हो आप, -cos 20 ये है, और जैसा मैंने बताया था इसकी वैल्यू रख दो आप, आंसर यही बनेगा।
कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 20 यहाँ पर है और माइनस कोस 20 और माइनस 1/2, ये इसे कैंसिल हो गया, कोस 20 से माइनस कोस 20 कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा माइनस 1/2। 22nd क्वेश्चन करते हैं, साइन 50 माइनस साइन 70 और प्लस साइन 10। तो भाई बच्चों के नहीं, दो के ऊपर आप फार्मूला लगा सकते हो, मैं इन दोनों के ऊपर लगा देता हूँ। साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos c + d/2, यानी कि 60, दोनों को ऐड किया 120, दो से डिवाइड किया, इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, यानी कि सी माइनस डी करेंगे तो 50 माइनस 70 हो जाएगा माइनस 20, और दो से डिवाइड करना है और आंसर आपको दिखाई दे ही गया होगा बच्चों, 0 आएगा इसका। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और ये हो गया साइन माइनस 10 डिग्री और प्लस साइन 10 डिग्री यहाँ पर है ही बेटा, ये इसे कैंसिल हो गया। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और साइन माइनस साइन 10 से प्लस साइन 10 कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, 23rd देखते हैं अब। तो 23rd है बच्चों, कोस 11 प्लस साइन 11 डिवाइडेड बाई कोस 11 माइनस साइन 11, तो इसको कोस से डिवाइड कर देते हैं अपर पार्ट लोअर पार्ट को, कोस 11 से डिवाइड करेंगे 1 और कोस 11 से डिवाइड करेंगे टेंजेंट 11 और कोस 11 से डिवाइड करेंगे 1 और यहां पर टेंजेंट 11, तो सीधा सीधा देखने लग रहा है बेटा टेंजेंट 45 प्लस 11 का फार्मूला बन गया है, टेंजेंट 45 प्लस 11 और ये क्या हो गया टेंजेंट 56 डिग्री, ठीक है ना। वरना आप क्या कर सकते हो, 1 की जगह लिख सकते हो टेंजेंट 45 और ये 1 एज इट इज, और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में करके इसकी जगह लिख सकते हो टेंजेंट 45। अब हो गया ये टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, यानी कि टेंजेंट ए प्लस बी, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, साइन 51 प्लस कोस 81, 24 क्वेश्चन। साइन 51 प्लस कोस 81, तो ऐसा है साइन सी प्लस साइन डी या कोस सी प्लस कोस डी तब लगेगा जब दोनों का रेशो बिल्कुल सेम होगा। तो भैया तो आप इसको कोस में चेंज कर ले हो या इसको साइन में चेंज कर लेते हैं, तो साइन में चेंज करना ठीक रहेगा बेटा, वैसे तो ठीक दोनों ही है, तो इसको मैं साइन में 9 डिग्री लिख देता हूँ। रीजन क्या है कि इसको लिखा मैंने कोस 90 माइनस 9, तो ये क्या हो गया साइन 9 डिग्री, ठीक है ना। और साइन सी प्लस साइन डी यूज कर लेते हैं, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, यानी कि दोनों को ऐड किया, दो से डिवाइड किया, इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू, यानी कि दोनों को इसको इसमें सबट्रैक्ट किया, ये सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11 - 9 = 42 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है ना। आया समझ, इन दोनों को सेपरेट करना, आपने 51 में से 9 सेपरेट कर दिया तो 42 आ जाएगा, 42 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया 21 आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू रख सकते हो आप 1/2 और आपका आंसर आ जाएगा कोस 21, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं 25th क्वेश्चन। 25th है बेटा, आप देख सकते हो यहाँ पर, If tangent x minus 4/3x line in second quadrant, then 10x/2 is. Tangent x की वैल्यू दे रखी है बच्चों -4/3 और x लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है ये, इसमें लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और भाई वैल्यू निकालनी है आपने टेंजेंट x बाई 2 की, ठीक है ना। तो बच्चों टेंजेंट x बाई 2 जैसा कि आप जानते हो क्या होता है, 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर रूट, ये होता है बच्चों टेंजेंट x बाई 2। ये क्या होगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ये 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर x बाई 2, रूट से स्क्वायर कैंसिल 10x/2, ठीक है ना। तो अब आपको चाहिए कोस x की वैल्यू, तो ट्राइंगल बनाकर आराम से निकाल सकते हो बेटा हम, देखो
ये क्या है परपेंडिकुलर बाई बेस, के ले सकते हो आप लेना चाहे तो। यहाँ पर वैसे हमने केवल एमसीक्यू अपने आंसर से मतलब है, तो के बी मत लो यहाँ पर बेसिक से। पाइथागोरस सर को याद करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5k, ठीक है ना, उनकी थ्योरम अप्लाई करके, परपेंडिकुलर का स्क्वेयर प्लस बेस का स्क्वेयर अंडर द स्क्वेयर रूट। तो अब कोस की वैल्यू निकालनी है, एक्स है दूसरे क्वाड्रेंट में, कोस जो है दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो कोस क्या हो गया 3/5, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, माइनस का साइन आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -3/5 रखेंगे तो +3/5 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 -3/5 हो जाएगा अंडर द स्क्वायर रूट 5 + 3 = 8, 8/5, और एलसीएम से एलसीएम कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पर 5 - 3 = 2, तो इसको लिख सकते हो आप 2√2 8 को, और 2√2 लोअर पार्ट में, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा आपका 2, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट करते हैं बच्चों 26th क्वेश्चन। इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू ए, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा इक्वल टू बी, देन टेन अल्फा माइनस बीटा बाई टू इज, तो भाई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है आपका ए के इक्वल, और कोस अल्फा माइनस कोस बीटा है आपका बी के इक्वल, तो क्या है कि इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं, देखो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ए बाई बी के इक्वल, और कोस से डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे बच्चों क्या है कि स्केयरिंग और सब्ट्रैक्टिंग या एडिंग कर लेते हैं, देखो स्केयरिंग और सब्ट्रैक्टिंग करेंगे साइन स्केयर कोस 2 बीटा हो जाएगा यहाँ पर, स्केयरिंग और सब्ट्रैक्टिंग करेंगे देखो अगर स्केयरिंग और एडिंग भी करें हम, देखो ये आ जाएगा साइन स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर बीटा और प्लस 2 sin α साइन बीटा, ठीक है ना, प्लस में कोस स्केयर अल्फा प्लस कोस स्केयर बीटा माइनस 2 cos α कोस बीटा, और राइट में हो जाएगा बच्चों ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो भाई साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर क्या हो जाएगा 1, साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर क्या हो जाएगा 1, 2 आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस 2 इनमें से कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, राइट में आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो इस 2 को चलो अभी एज इट इज रहने देते हैं माइनस 2, और ये आ जाएगा कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस ए कोस बी और माइनस साइन ए साइन बी, तो कोस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा वही बच्चों, ठीक है ना, और राइट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे ये बन जाएगा 1 - cos α प्लस बीटा, और राइट में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 1 - cos α प्लस बीटा हो जाएगा 2 sin² α प्लस बीटा बाई 2, और वैल्यू निकालनी थी बच्चों अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की, तो स्केयरिंग सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना, स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा। देखो ये वैल्यू तो निकाल कर रख लेते हैं, काम आएगी हमारे को, 2 sin² α प्लस बीटा हो गया और 2 ऑलरेडी था यहाँ पर, और राइट में क्या है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो भाई रूट लेंगे तो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर द रूट, ठीक है ना, और साथ में ये 2 आएगा, ये 2 लोअर पार्ट में चला जाएगा, पहले स्क्वेयर रूट लिया बाद में 2 ले गए, तो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू हो गई है। अब स्केयरिंग सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं इनको, देखो तो स्केयरिंग सब्ट्रैक्टिंग करेंगे इनको, तो ये स्केयर हो गया और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो ये आ जाएगा साइन स्केयर अल्फा माइनस कोस स्केयर बीटा, इनके माइनस कोस 2α, और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्केयर बीटा माइनस कोस स्केयर बीटा इनके कोस 2β, और प्लस का साइन 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी ए हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, और राइट में है ए स्केयर माइनस बी स्केयर,
तो भाई बच्चों अब इसमें से माइनस कॉमन लेकर मैं कोस सी प्लस कोस डी लगा देता हूँ। माइनस कॉमन ले लिया, कोस सी प्लस कोस डी लगाऊंगा, टू कोस सी प्लस डी बाई टू, यानी कि दिस प्लस दिस बाई टू, यानी कि एल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू, यानी कि एल्फा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है ना। कोस सी प्लस डी बाई टू, कोस सी माइनस डी बाई टू, और कोस एल्फा माइनस बीटा का ही फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। चलो एज इट इज रखते हैं एक बार इसको, कोस एल्फा माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों टू कोस सी प्लस डी बाई टू, यानी कि एल्फा प्लस बीटा आ जाएगा बेटा, टू ऑलरेडी है इसमें, टू एल्फा प्लस टू बीटा बाई टू। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, एल्फा माइनस बीटा। अब इसमें से कंप्लीट में से टू कोस एल्फा माइनस बीटा बाई टू को एल्फा माइनस बीटा कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा माइनस कोस एल्फा प्लस बीटा और प्लस वन, यानी कि वन को फ्रंट में लिख लेते हैं, वन माइनस कोस एल्फा माइनस बीटा, एल्फा प्लस बीटा, और राइट में क्या चला हुआ है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब भाई वन माइनस कोस एल्फा प्लस बीटा बाई बीटा क्या होता है, टू कोस टू साइन स्केयर एल्फा प्लस बीटा बाई टू, तो टू कोस एल्फा माइनस बीटा एज इट इज, और यहाँ पर आ जाएगा टू साइन स्केयर एल्फा प्लस बीटा बाई टू, और राइट में ये चला हुआ बेटा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है ना। अब क्या है कि देखो कोस एल्फा माइनस बीटा जो है उसको फर्दर फैक्टराइज कर देते हैं, और इसकी वैल्यू थी अपने पास, ये वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू थी ए स्केयर प्लस बी स्केयर का रूट बाई टू, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर स्केयर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। तो और इसकी वैल्यू लिख देते हैं हम, कोस एल्फा माइनस बीटा बाई टू है, ये हो जाएगा टू कोस स्केयर एल्फा माइनस बीटा बाई टू और माइनस वन, और यहाँ पर जो है बेटा साइन एल्फा प्लस बीटा बाई टू की जो वैल्यू मैंने निकाली थी वो पुट करो यहाँ पर, और राइट में ले जाओ, वन को भी राइट में ले जाओ, कोस एल्फा माइनस बीटा बाई टू आ जाएगा, वहाँ से फिर साइन एल्फा माइनस बीटा बाई टू आ जाएगा, डिवाइड करने से टेंजेंट एल्फा माइनस बीटा बाई टू आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कर सकते हो बेटा, स्पेस की कमी है, मैंने आपको इतना यहाँ तक करवा दिया, ये आगे हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट है बच्चों 27th, टेंजेंट एक्स की वैल्यू दे रखी टी, और टेंजेंट टू एक्स प्लस सिकेंड टू एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो टेंजेंट टू एक्स का फार्मूला लगाते हैं, टू टेन एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्केयर एक्स, और भाई सिकेंड टू एक्स का लगाते हैं वन माइनस वन प्लस टेन स्केयर एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्केयर एक्स। कोस टू एक्स का होता है बच्चों वन माइनस टेन स्केयर डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्केयर, तो सिकेंड टू एक्स का जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने सिकेंड टू एक्स का डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लिया यहाँ पर। अब टेंजेंट एक्स की जगह रखना आपने टी, तो ये आ जाएगा टू टाइम्स टी, और नीचे वन माइनस टी स्केयर, और यहाँ पर वन प्लस टी स्केयर, और नीचे वन माइनस टी स्केयर, तो एलसीएम लेंगे तो वन प्लस टी स्केयर प्लस टू टी, और लोअर पार्ट में आ जाएगा वन माइनस टी स्केयर। अब इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस टी का होल स्केयर, और लोअर पार्ट में है वन माइनस टी स्केयर, जिसको हम लिख सकते हैं वन प्लस टी वन माइनस टी, और ये एक बार कैंसिल हो जाएगा, और वन प्लस टी बाई वन माइनस टी आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट है बच्चों 28 क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ कोस स्केयर पाई बाई सिक्स प्लस माइनस साइन स्केयर पाई बाई सिक्स, तो भाई कोस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी का फार्मूला यूज करते हैं, होता क्या है कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ए की जगह क्या आपके पास, देखो ए की जगह है पाई बाई सिक्स प्लस एक्स, कोस पाई बाई सिक्स प्लस एक्स, और बी की जगह क्या आपके पास पाई बाई सिक्स माइनस एक्स, ठीक है। ऐसा यहाँ पर बी ए की जगह रखेंगे पाई बाई सिक्स प्लस एक्स, और बी की जगह आपके माइनस है, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, माइनस पाई बाई सिक्स और प्लस एक्स, तो ये इसे कैंसिल हो गया बच्चों, ये इसे कैंसिल हो गया, ये आ गया कोस 60 डिग्री, यानी कि पाई बाई थ्री,
और ये आ जाएगा कोस टू एक्स, और कोस 60 होता है 1/2, यानी कि आंसर आ जाएगा 1/2 कोस टू एक्स, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट है बच्चों 29th, साइन स्क्वेयर 2π/3 प्लस साइन स्क्वेयर 2π/3 माइनस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी बच्चों हमने, ठीक है ना। तो इसको मैंने लिख दिया भाई 1 माइनस कोस, एंगल का डबल हो जाएगा 4π/3 और प्लस 2x, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी सेकंड वाले पर भी फार्मूला लगा दिया 1 माइनस कोस और एंगल का डबल 4π/3 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। यहाँ पर भी 2, ये फार्मूला यूज किया मैंने, साइन स्क्वेयर एक्स होता है 1 माइनस कोस 2x बाई 2 के इक्वल, ठीक है ना। तो भाई 1/2 बार आ जाएगा सारे में से, और ये आ जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, और माइनस इसमें से माइनस का साइन भी आप बाहर ले सकते हैं, कोस 4π/3 प्लस 2x प्लस कोस 4π/3 माइनस 2x, अब क्या है कि कोस सी प्लस कोस डी अप्लाई कर लेते हैं 1/2 एज इट इज, और ये 2 एज इट इज माइनस कोस सी प्लस कोस डी होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, यानी कि दिस प्लस दिस बाई 2, यानी कि वापिस 4π/3 आ जाएगा, इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2 दिस माइनस दिस बाई 2, यानी कि 4x/2 2x। तो भाई बच्चों 1/2 2 एज इट इज माइनस 2, बल्कि 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हो आप, यहाँ पर 1 माइनस कोस 4π/3 जो है उसको आप ब्रेक कर सकते हो पाई प्लस पाई बाई 3 में, कोस पाई प्लस सीटा होता माइनस कोस सीटा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कोस पाई बाई 3 पॉजिटिव साइन के साथ, कोस 2x ऑलरेडी है यहाँ पर। और भाई बच्चों कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना, 1 + 1/2, और रहा यहाँ पर कोस 2x, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, जैसा कि आप जानते हो कोस 2x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तभी ये मैक्सिमम कितना बनेगा 3/2। 1 के अलावा कुछ रखोगे तो 1 से कम ही रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोस की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 1 होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसमें मैक्सिमम ही रखनी पड़ेगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 3/2, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं बच्चों 30th क्वेश्चन, तो ये बेटा टेन ए माइनस बी दे रखे 1, सेकेंड ए प्लस बी दे रखे 2/√3, देन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बी इज, तो टेन ए माइनस बी अगर 1 के इक्वल है तो आप इसको लिख सकते हो टेंजेंट पाई बाई 4, 45 degree, ठीक। ऐसे ही सेकेंड ए प्लस बी अगर 2/√3 है तो √3/2 होती है कोस 30 degree की वैल्यू, तो ये उसका रेसिप्रोकल है, तो सेकेंड 30 की हो जाएगी, यानी कि पाई बाई 6 की। तो भाई 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस यानी कि कंपेयर कर सकते हो आप, ए माइनस बी हो गया पाई बाई 4 के इक्वल, ए प्लस बी हो जाएगा पाई बाई 6 के इक्वल, ठीक है ना। तो सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस 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 ये कैंसिल हो, ऐसे माइनस 2b आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, 12 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, और ये आ जाएगा 3π माइनस 2π, यानी कि माइनस 2b की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 12, और 2 से डिवाइड करेंगे माइनस 2 से, तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाई 24, ठीक है ना। ये नेगेटिव वैल्यू आ गई बच्चों, उसने कहा था कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो भाई अब a की वैल्यू चेक करते हैं क्या, ये देखो ए की वैल्यू चेक करेंगे कैंसिल हो गया, तो 2a की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 5π/24, तो a की वैल्यू आ गई 5π/24, b की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाई 24, तो b की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है तो इसको आप पाई में ब्रेक कर सकते हो, तो b की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस 19π/24, ठीक है ना, आया समझ में इसको।
यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 19π/24। बी की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू तो और भी हो सकती है बेटा, देखो जैसे टेंजेंट ए माइनस बी अगर 1 के इक्वल था तो मैं यहाँ पर पाई बाई 4 भी रख सकता हूँ और उसमें पाई ऐड करके 5π/4 भी रख सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है कि बी की जो वैल्यू आई थी नेगेटिव वैल्यू आई थी, हमने निकाल कर देनी उसको पॉजिटिव। तो पॉजिटिव निकालने के लिए आपने ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ए का जो अपर पार्ट है उसके रिस्पेक्ट में उसको ब्रेक करना पड़ेगा बी की वैल्यू को। तो नेक्स्ट है बच्चों 31st, एक्स इज एन एक्यूट एंगल एंड 10x = 1/√7, देन वैल्यू ऑफ दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस। तो इनकी वैल्यू निकालनी है भाई हमने, चाहे तो हम इसको साइन कोस में चेंज कर सकते हैं। 1 बाई, देखो स्टेटमेंट दिखाई देती है आपको, 1/sin² 1/cos² 1/sin² 1/cos² एलसीएम ले लेंगे। लेकिन क्या है कि डायरेक्ट मैं इसको ऐसे चेंज कर देता हूँ, कोसिकेंट को लिख दिया मैंने 1+cot² और कोसिकेंट स्क्वायर को लिख दिया मैंने 1+tan², ठीक ऐसे ही कोसिकेंट स्क्वायर को लिख दिया मैंने 1+cot² और सिकेंट स्क्वायर को लिख दिया 1+tan², ठीक है बेटा। तो कोट की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी यानी कि √7। तो √7 रखेंगे तो 7 हो जाएगा ये, और यहाँ पर रखेंगे 1/7, ठीक ऐसे यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1+1/7। तो माइनस का साइन अंदर जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 7-1/7 ये आ गया, और 7+8+9 9+1/7 ये आ जाएगा यानी कि 49-1 और 63+1। ये 8 पर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 16 पर कैंसिल हुआ था बेटा। तो आंसर आ जाएगा 3/4, ए ऑप्शन हो जाएगा आपको, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था काफी। नेक्स्ट है भाई 32, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। ट्रिक से आप इसको 1 से 10 सेकंड के बीच में आंसर निकाल सकते हो इसका। आपकी कितनी भी वीक कैलकुलेशन हो 10 सेकंड में तो आराम से आंसर आ जाएगा। देखो ऐसा बच्चों, ए साइन एक्स हो या ए कोस एक्स प्लस बी कोस एक्स हो, यानी कि ए साइन प्लस बी कोस या ए कोस प्लस बी साइन प्लस माइनस कुछ भी हो, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ये होती है बच्चों, ये ठीक है ना। साइन के कोफिशेंट का स्क्वायर कोस के कोफिशेंट का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट प्लस माइनस, और भाई प्लस में कोई क्वांटिटी है वो यहाँ पर, तो प्लस में वो क्वांटिटी लिख लो बस। जैसे कि इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने की ट्रिक है मेरे पास, ये हो गया 9, ये हो गया 16 अंडर द रूट प्लस माइनस एन के प्लस माइनस 5। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों इसकी, 3 cos x। कंपटीशन के एग्जाम में ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो मिनिमम वैल्यू होगी -5 और मैक्सिमम होगी +5, ठीक है ना। अब क्या है, 8 इसमें ऐड करना आपने, तो 8 हर पार्ट पर ऐड हो जाएगा। देखो तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 30। तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 3 और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 30। तो रिक्वायरमेंट क्या थी, केवल रिक्वायरमेंट थी बेटा मिनिमम वैल्यू की, जो कि क्या आ जाएगी 3, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो भी आप निकाल सकते हो इस तरीके से इसको। नेक्स्ट है भाई बच्चों 33 है, देख लेते हैं 33 ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन इनटू कोस एक्सिस। तो बच्चों साइन और कोस का प्रोडक्ट है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको sin 2x बना लेता हूँ, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2। अब sin 2x जो है, साइन क्या है, साइन एंगल कुछ भी हो, तो साइन की वैल्यू मिनिमम क्या होती है -1 और मैक्सिमम क्या होती है +1, ठीक है ना। तो 2 से डिवाइड किया हमने इसको देखते हुए, वैल्यू इसकी निकालनी है ना, तो भाई मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी थी आपसे, तो क्या हो जाएगी 1/2। नेक्स्ट है बच्चों 35th है,
सॉरी 34 है, एफ एक्स दे रखे आपको कोस स्क्वायर एक्स प्लस सिकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं देखो लेस देन ग्रेटर देन समथिंग समथिंग। तो बच्चों इस तरह का कोई केस हो जब दो टर्म का सम और प्रोडक्ट हो आपके, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट हो कि वो क्या होगा, किससे लेस किससे ग्रेटर होगा, तो उसमें क्या है कि एक फंडा यूज होता है बच्चों एपी से और जीपी से, अरिथमेटिक मीन का और ज्योमेट्रिक मीन का। लेकिन वो तभी हो सकता है जब उनका प्रोडक्ट की वैल्यू भी हो आपके पास और सम की वैल्यू भी हो, दो टर्म दो डिफरेंट टर्म। तो इनका सम तो पूछ ही रखा है और इनका प्रोडक्ट आप जानते हो वन होता है, कोसेकेंड की कोस की और सेकेंड का प्रोडक्ट हमेशा वन होता है, तो इनके प्रोडक्ट का पता है हमारे को, उनका सम रिक्वायर्ड है। तो बच्चों एक टर्म होती है एम अरिथमेटिक मीन जो आपने टेंथ क्लास में पढ़ा था, नाम नहीं पढ़े आपने लेकिन ये काम जरूर किया था, ऐसे क्वेश्चन थे आपकी क्लास में। देखो इंसर्ट दीज नंबर इफ दीज आर इन एपी, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स इफ दीज आर इन एपी, ब्लैंक को फिल कीजिए अगर एपी में हूं तो ये हो गया फोर ये हो गया सिक्स, ठीक है ना, इन्हीं को बोलते हैं एएम। जैसे ये बोल दिया जाए आपको फिल इन द ब्लैंक्स इफ दीज आर इन एपी, अगर ये एपी में तो ब्लैंक को फिल कीजिए, तो इसको ए ऐड कर दिया मैंने। अब ए पी की कंडीशन आप जानते हो, सेकंड कट वाइज पहले दूसरे के सम के इक्वल, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस 8 बाई 2, यानी कि सिंपल सी बात है आपने सीख लिया अब ए एम। ए एम क्या होता है, कोई भी दो डिफरेंट नंबर के बीच में अगर आप एक ए एम या कितने भी ए एम इंसर्ट करते हो तो रिजल्टेड सिक्वेंस किस में हो जाती है ए पी में, तो ए क्या आ गया बेटा ए प्लस बी बाई 2, इसको बोलते हैं ए एम, ठीक है ना। एक टर्म और सीखने की जरूरत है आपको जीएम ज्योमेट्रिक मीन। देखो ए पी को तो आप जानते हो टेंथ क्लास में आ चुका है, जीपी में बता देता हूँ आपको। जीपी क्या होता है, ए पी में तो जैसे टर्म ऐड होती चलती है सब्ट्रैक्ट होती चलेंगी, ठीक है ना, ये ए पी है ये भी एक ए पी है, देखो जीरो जीरो ऐड होती चली या सब्ट्रैक्ट होती चली, ये भी एक ए पी है देखो सब्ट्रैक्ट होती चली, यहाँ पर सेम नंबर सब्ट्रैक्ट होता चलेगा वो ए पी होती है। जबकि जीपी में क्या है बच्चों, जीपी में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते जाएंगे हम, जैसे 2 फिर आ जाएगा 4 फिर आ जाएगा 8 फिर आ जाएगा 16 फिर आ जाएगा 32 फिर आ जाएगा 64 एंड सोन, जैसे 9 फिर आ जाएगा 3 फिर आ जाएगा 1 फिर आ जाएगा 1/3 फिर आ जाएगा 1/9 फिर आ जाएगा 1/27 एंड सोन, ठीक है ना। तो जीपी में ऐसा होता है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते चलते हम, तो जैसे एपी में क्या होता था ए एम, ऐसे ही जीपी में क्या होता है जीएम। जैसे कोई आपसे ये बोल दे कि फिल इन द ब्लैंक्स इफ दीज आर इन जीपी, तो यहाँ पर क्या आएगा 4, ठीक है ना। निकालने का मेथड क्या है, जीपी की कंडीशन ये होती है सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड, इसमें क्या होते हैं इक्वल। जैसे एपी में क्या होता है, अगर एपी होती है देखो तो सेकंड डिवाइडेड सेकंड सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट माइनस थर्ड माइनस सेकंड, ठीक है ना, सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड इक्वल होते हैं एपी में, तो उसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, इसमें डिवाइड करना पड़ता है, दूसरे को पहले से डिवाइड करें तीसरे को दूसरे से डिवाइड करें इक्वल होता है इसमें जीपी में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जी स्क्वायर आ गया 2 × 8 के इक्वल और जी की वैल्यू आ गई 2 × 8 अंडर द स्क्वायर रूट, यानी कि जीएम का फार्मूला मिल गया आपको। अगर ए और बी के बीच में कोई जीएम इंसर्ट करना आपने तो जीएम आ जाएगा ए बी का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। अब आपको पता चल गया कि एएम क्या होता है और जीएम क्या होता है। अब एक और बात सीखने की जरूरत है क्वेश्चन के लिए, ऐसा नहीं बेटा इसी क्वेश्चन में काम आएगी, बहुत जगह काम आएंगी ये बातें। तो एक टर्म है कि भाई एएम जो है एक रिलेशन है, टर्म नहीं, एएम जो है वो हमेशा जीएम के या तो इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। इक्वल कब होगा, जब वो दोनों नंबर सेम होंगे जिनके बीच में आप एएम जीएम निकालने लग रहे हो। जैसे 2 और 2 के बीच में जीएम निकालोगे तो 2 आएगा, एएम निकालोगे तो भी 2 आएगा, तो इक्वल हो गए ना। और अगर ये डिफरेंट नंबर होंगे जिनके बीच में आपने एएम और जीएम निकालना है तो हमेशा एएम बड़ा होता है जीएम छोटा होता है, प्रूव भी हो सकता है बेटा ये, ठीक है ना। और करेंगे इसको प्रूव हम आपका जब चैप्टर करवाएंगे सीक्वेंस सीरीज 9 चैप्टर उसमें। तो भाई कोस स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर है यहाँ पर, उनके बीच का जो जीएम है और एएम है वो निकाल लेता हूँ मैं, ये तो निकल गया उनके बीच का एएम और ये निकल गया उनके बीच का जीएम, इनके प्रोडक्ट का रूट, ठीक है ना। तो
तो हमेशा जी एम क्या होता है बड़ा। तो कोस स्केर एक्स प्लस सिकेंड स्केर एक्स डिवाइडेड बाई टू, और आप जानते हो कोस और सिकेंड तो कैंसिल होकर के आ जाएगा यहाँ पर वन। अब ये टू राइट में चला जाएगा और ये आपका आंसर आ गया, एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू से। आया समझ में? एफ एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू टू से। ए एम हमेशा जी एम से बड़ा होता है बेटा, तो ये साइन आएगा यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है ना। ए एम की वैल्यू हमेशा जी एम से क्या होती है, ग्रेटर। तो नेक्स्ट करते हैं, विच वन इज नॉट करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन नहीं है। देखो साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन बाई फाइव हो सकती है, बिल्कुल ठीक है ये। कोस थीटा की वैल्यू वन भी हो सकती है, सिकेंड थीटा की वैल्यू वन बाई टू नहीं हो सकती भाई। सिकेंड थीटा की जो वैल्यू है बच्चों वो माइनस वन से इधर और प्लस वन से इधर ऐसे होती है, ठीक है ना, बीच में कभी नहीं आती सिकेंड को सिकेंड की वैल्यू, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है यहाँ पर। द रियल वैल्यू ऑफ एक्स इफ कोस थीटा इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स देन एक्स थीटा इज एक्यूट, थीटा इज राइट एंगल, थीटा इज ऑब्ट्यूज, नो वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल। यानी कि कोस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स प्लस वन बाई एक्स के इक्वल, एक्स प्लस वन बाई एक्स है कोस थीटा की वैल्यू, ठीक है ना। तो भाई कोस इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और राइट में आ जाएगा एक्स कोस थीटा, सभी को लेफ्ट में ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोस थीटा और प्लस वन राइट में क्या हो गया, जीरो। जैसा कि इसने बोला कि भाई एक्स क्या है रियल, तो बी स्केयर माइनस फोर ए सी क्या होगा बेटा, डेफिनेटली जीरो है, जीरो से बड़ा। तो बी स्केयर क्या हो गया, कोस स्केयर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो कोस स्केयर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, जो पूरी तरह क्या है, गलत, ठीक है ना। कोस की वैल्यू कभी वन से ऊपर नहीं जाती बच्चों, ना कोस स्केयर की वैल्यू वन से ऊपर जाती कभी, तो कोस स्केयर की वैल्यू फोर या फोर से ग्रेटर नहीं हो सकती बेटा। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा नो वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल, ठीक है ना। तो 37th क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देखो साइन फाइव एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स की वैल्यू इन चारों में से कोई एक बनानी है हमने। तो साइन फाइव एक्स को मैंने लिख दिया 3x प्लस 2x में कन्वर्ट करके। रीजन ये है कि आंसर के जो भी रेशो है उन सब का एंगल क्या है, सिंगल। यानी कि अपना पहला टारगेट है कि एंगल को x बनाकर चलना, तो डायरेक्ट एक्स नहीं बना सकते हम, पहले थ्री और टू में कन्वर्ट करेंगे। अब साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है ना। लोअर पार्ट क्या है, साइन एक्स। अब साइन थ्री एक्स का फार्मूला लगाएंगे, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, और कोस टू एक्स का लगाएंगे वन माइनस टू साइन स्क्वेयर एक्स। कोस थ्री एक्स का फार्मूला लगाएंगे फोर कोस क्यूब एक्स माइनस थ्री कोस एक्स, और साइन टू एक्स का यहाँ पर हो जाएगा साइन टू एक्स का टू साइन एक्स कोस एक्स। लोअर पार्ट में क्या था आपके पास, साइन एक्स यहाँ पर और साइन एक्स यहाँ लगा देता हूँ, ये साइन कैंसिल होगा, इसमें से साइन कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे, यहाँ पर बच जाएगा थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर और वन माइनस टू साइन स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पर, और फोर कोस इसमें से कोस कॉमन ले लेते हैं, देखो फोर कोस स्क्वायर और माइनस थ्री बच जाएगा और बाहर आ जाएगा कोस स्क्वायर। रीजन ये था कोस कॉमन लेने का, ताकि अब इसको हम साइन में चेंज कर पाए। तो कोस स्क्वायर को वन माइनस साइन स्क्वायर में चेंज कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्री माइनस सिक्स साइन स्क्वायर एक्स और माइनस फोर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस एट साइन रेज टू द फोर, ठीक है ना। और भाई ये आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ले देता हूँ मैं इसकी जगह, वन माइनस साइन स्क्वायर। अब टू की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी टू, और टू की इसके साथ हो जाएगी एट कोस स्क्वायर एक्स, फिर टू की इसके साथ हो जाएगी माइनस सिक्स। अब माइनस टू साइन स्क्वायर की इसके साथ हो जाएगी, इससे पहले बच्चों इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना।
टू एज इट इज, और इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे हम, वन माइनस साइन स्क्वेयर हो जाएगा, को स्क्वेयर की जगह माइनस थ्री ऑलरेडी है तो ये आ जाएगा फोर माइनस फोर साइन स्क्वेयर और माइनस थ्री, यानी कि वन माइनस फोर साइन स्क्वेयर आ जाएगा इसकी जगह, वन माइनस फोर साइन स्क्वेयर, और जो है टू था इस टू की अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू माइनस टू साइन स्क्वेयर एक्स। अब ये खाली प्रोडक्ट बच गया, देखो ये है एट साइन रेस टू द फोर, और ये है यहाँ पर माइनस टेन साइन स्क्वेयर, और यहाँ पर है प्लस थ्री, टू की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे टू माइनस एट साइन स्क्वेयर, और माइनस टू की इसके साथ करेंगे माइनस टू साइन स्क्वेयर एंड प्लस एट साइन रेस टू द फोर। देखो एट प्लस एट क्या हो जाएगा, सिक्सटीन साइन रेस टू द फोर, जो कि सभी में है। ओहो आंसर क्या है बच्चों, आंसर सारे के सारे किस में है, कोस में, और मैंने किस में निकाल दिया, साइन में। तो भैया आपको सारा का सारा आंसर कोस में निकालना पड़ेगा, मैं साइन में आंसर दे देता हूँ एमसीक्यू के अकॉर्डिंग, तो आपने कोस में ही निकालना पड़ेगा आंसर। देखो अगर साइन में एमसीक्यू आ जाए तो इस तरीके से आप कर सकते हो, आगे टोटल कर लेना इसको, हो जाएगा ठीक है ना। और भाई कोस में अगर सारे आंसर निकालने हैं, ऑप्शन हमने पहले ही देख लेने चाहिए थे बेटा, तो सबसे पहले तो साइन को कैंसिल कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा थ्री माइनस फोर साइन स्केयर, और यहाँ पर एज इट इज वन माइनस टू साइन स्केयर, और भाई ये बिल्कुल सेम टू सेम फोर कोस क्यूब माइनस थ्री कोस एक्स, और साइन से साइन कैंसिल कर दिया मैंने टू कोस एक्स। अब इसको किसी में चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी सारा कोस में है, इसको कोस में चेंज कर देंगे, ये है माइनस फोर एज इट इज, वन माइनस कोस स्केयर करेंगे इसको साइन स्केयर की जगह, माइनस फोर प्लस फोर कोस स्केयर हो जाएगा, और फोर कोस स्केयर और प्लस थ्री माइनस फोर यानी कि माइनस वन, यानी कि फोर कोस स्केयर माइनस वन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और इसको वन माइनस कोस स्केयर में चेंज करेंगे, अगर बार माइनस टू है तो ये हो जाएगा माइनस टू प्लस टू कोस स्केयर एक्स और प्लस वन, तो टू कोस स्केयर माइनस वन यहाँ पर आ जाएगा, टू कोस स्केयर एक्स माइनस वन, और टू कोस एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एट कोस रेस टू द फोर, और ये आ जाएगा माइनस सिक्स कोस स्केयर एक्स। अब टू कोस स्केयर किसके साथ हो जाएगी एट कोस रेस टू द फोर, टू कोस स्केयर किसके साथ हो जाएगी माइनस टू कोस स्केयर एक्स, और माइनस वन किसके साथ हो जाएगी माइनस फोर कोस स्केयर एक्स, और माइनस वन किसके साथ प्लस वन, बाकी सब कुछ एज इट इज। तो एट कोस की फोर, एट कोस की फोर आ जाएगा सिक्सटीन कोस रेस टू द फोर, और माइनस सिक्स कोस रेस टू द टू, ठीक है ना। और भाई ये हो गया एट और एट सिक्सटी फोर सिक्सटीन, और यहाँ पर माइनस सिक्स और माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व हो जाएगा ये, और प्लस वन, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आ जाएगा अभी बच्चों, ये ऑप्शन, अगर ऑप्शन साइन में दे रखे हो बेटा, वो भी मैंने आपको करवा दिया, आंसर साइन में भी निकल सकता है इसका, कोस में भी। सो दैट का क्वेश्चन नहीं हो, एमसीक्यू नहीं हो, तो आप कोई भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन एमसीक्यू जो दे रखे हैं आंसर वही निकालना पड़ेगा आपको। अब देखो कोस एक्स की वैल्यू ये दे रखी, कोस थ्री एक्स की वैल्यू ये है, लैम्डा की वैल्यू बतानी है आपने, तो कोस थ्री एक्स का फार्मूला हो जाएगा फोर कोस क्यूब और माइनस थ्री कोस एक्स, ठीक है ना। अब मैं क्या कर लेता हूँ, देखो यहाँ पर टू कोस एक्स की वैल्यू है वन ए प्लस वन बाई ए, तो इसको टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, ये टू कोस एक्स का क्यूब बन जाएगा और माइनस थ्री वन बाई टू कोस एक्स हो जाएगा ये, ठीक है ना, थ्री बाई टू कोस एक्स, टू से मल्टीप्लाई करना था बेटा, टू से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना, तो टू से डिवाइड भी करना पड़ेगा अब इसको। अब टू कोस एक्स की जगह रख सकते हो आप ए प्लस वन बाई ए, तो ए प्लस वन बाई ए का क्यूब है ये वन बाई, क्वेश्चन हो चुके बेटा पहले ये ट्रिग्नोमेट्री में, और माइनस थ्री एज इट इज, और यहाँ पर ए प्लस वन बाई ए, तो इसका क्यूब एक्सपेंड करेंगे ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब प्लस थ्री ए पी इंटू ए प्लस बी, और माइनस थ्री टाइम्स ए प्लस वन बाई ए ये ऑलरेडी है यहाँ पर, ये इसे कैंसिल होगा,
और बार क्या चला हुआ है, 1/2, तो 1/2 इंटू ए क्यूब प्लस 1/a³, और आंसर उन्होंने दे रखा है लैम्डा टाइम्स ए क्यूब प्लस 1/a³, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी साफ साफ यहाँ से 1/2 के इक्वल। नेक्स्ट है 39th क्वेश्चन, बच्चों सिकेंट माइनस सिकेंट 8a माइनस 1 डिवाइडेड बाई सिकेंट 4a और माइनस 1। तो भाई बच्चों इसको साइन को कोस में चेंज करते हैं, 1/cos 8a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/cos 4a माइनस 1। क्वेश्चन ये भी पहले हो चुका है बेटा एक्सरसाइज में ही, तो एलसीएम लेंगे तो 1 cos 8a डिवाइडेड बाई cos 8a, और इसका एलसीएम लेकर रेसिप्रोकल कर देता हूँ इसका, cos 4a डिवाइडेड बाई 1 cos 4a। तो भाई 1 cos 8a का फार्मूला होता है 2 sin² और एंगल का हाफ हो जाएगा जो कि 4a हो जाएगा। cos 4a ऑलरेडी है यहाँ पर लोअर पार्ट में, 1 cos 2a का फार्मूला cos 4a का फार्मूला हो जाएगा 2 sin² 2a, एंगल का हाफ हो जाता है बच्चों इस फार्मूले में, और cos 8a ऑलरेडी है यहाँ पर। तो आंसर में देखेंगे हम तो 8a बना ही रखा है इसमें, तो क्या है साइन का जो स्केयर है इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, साइन 4a को अलग लिख दिया, और ये जो फार्मूला है ये लग जाएगा साइन 8a का फार्मूला हो जाएगा, ये 2 sin a cos a होता है साइन 2a, ठीक है ना, साइन 2a। और भाई cos 8a ऑलरेडी है यहाँ पर, साइन 4a जो है इसको आप ब्रेक कर सकते हो 2 sin 2a एंड cos 2a के अंदर, और लोअर पार्ट क्या है 2 sin² 2a, तो साइन स्केयर 2a को ब्रेक कर दिया साइन 2a इंटू साइन 2a के अंदर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, साइन बाई कोस क्या हो जाएगा टेंजेंट 8a, और ये क्या हो जाएगा कोटेंजेंट 2a, तो लोअर पार्ट में क्या हो जाएगा टेंजेंट 2a, या अपर पार्ट में रखेंगे तो कोट 2a, तो ऑप्शन ये हो जाएगा बच्चों टेंजेंट 8a डिवाइडेड बाई टेंजेंट 2a, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, cos² 48 माइनस sin² 12। तो भाई cos² a माइनस sin² b की प्रॉपर्टी लगेगी, cos a प्लस b और cos a माइनस b, ठीक है बच्चों, cos a प्लस b cos a माइनस b होता है cos² a माइनस sin² b। अब ये तो हो गया cos 60 और ये हो गया cos 36। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 36 की होती है √5 + 1/4, ठीक है ना। तो भाई ये कैंसिल वैंसिल होकर, कैंसिल नहीं हुआ, मल्टीप्लाई हो गया, √5 + 1/8 आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। जैसे कि साइन 18 की वैल्यू क्या होती है √5 - 1/4, तो cos 36 की क्या होती है इसका पॉजिटिव साइन √5 + 1/4। ऐसे ही cos 18 की वैल्यू क्या होती है, sin 18 हो गया, cos 18 की वैल्यू होती है 10 + 2√5 √4, और sin 36 की क्या हो जाएगी यहाँ पर माइनस का साइन, ठीक है ना, ये वैल्यू भी याद रखो आप। तो भाई इस वीडियो में इतने 40 क्वेश्चन बेटा, अगले 40 क्वेश्चन अगली वीडियो में अपलोड करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसकी, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से डिस्कस करेंगे आप।